हाय एवरीवन, सो आज है मेरे फ्रेंड हमारे फ्रेंड का बर्थडे और बहुत ही अच्छी पार्टी दे रहा है, तो मैं सोचा आप अभी सेक्सी सेक्सी बन के चलते हैं। डोंट वरी, मैं ये नहीं पाके जा रही, मेरी ड्रेस इज वेरी लाइट कलर की, तो मैं सोचा कि मैं अरे तक काम कर लेनी है, फिर मैं ड्रेस फटाफट पा लूंगी, मैं गंदी नहीं करना चाहती। मैंने मॉइस्चराइज ऑलरेडी कर लिया है अपना फेस। आज ना वेदर बहुत अच्छा है बाहर, ज़्यादा गर्मी नहीं हैगी, सो मैंने मॉइस्चराइज़र में डेफिनेटली, मैं जब वेदर चेंज होता ना, मेरी स्किन सब तो पहले फट जाती है। मैंने मॉइस्चराइज़र लगा लिया है बायोडर्मा का, जैसे कि सबको पता मेरा फेवरेट है, मैं दिखा नहीं थी। ओके, सो आज मैं प्राइमर लगा रही हूँ एल्फ का, ये बिल्कुल डुप्लीकेट हैगा हाइड्रो प्राइमर उसका, मिल्क का। सो मैंने सोचा आज आ लगाऊंगे। ओके, सो मैंने नहीं पता वीडियो कंप्लीट होने वाली है कि नहीं, कि मैं पा पाऊंगी कि नहीं, बिकॉज मेरा बेबी जो है और नाल दे कमरे च खिल रहा है एंड मेरे को माइक नहीं है, जे उन्हें गाने चला दिते तो यूट्यूब पर आ जाना कॉपी राइट, तो सानू कोई फायदा ही नहीं है वीडियो बंद, समझे हो। प्राइमर प्लीज़ कम क्वान्टिटी रखो, एक्सेसिव क्वान्टिटी मत रखो, ये प्राइमर बहुत ही अच्छी ग्रिप देगा फेस को। एंड मैं चाहती हूँ मेरा बिल्कुल रात तक मेकअप बिल्कुल फ्लॉलेस दिखे। ओके, सो वंस द प्राइमर इज देयर आई एम जस्ट गोइंग टू यू नो करेक्ट द अंडर आई, एम नॉट यूजिंग एनी ऑरेंज करेक्टर, आई एम यूजिंग अ डार्क कलर का कंसीलर एंड आई एम जस्ट गोइंग टू डैब इट आंखों के नीचे। आई वाज थिंकिंग टू यूज चार्मेसी की फाउंडेशन, लेट्स सी, आई एम जस्ट गोइंग टू करेक्ट माई फेस फर्स्ट। एंड मुझे बहुत ज़्यादा ही करेक्शन की ज़रूरत नहीं होती है एंड आई थिंक दिस मच इज़ ऑल फाइन, सी करेक्शन इज़ डन। बाय द वे मैं करेक्शन के लिए यूज़ किया है स्टिक फ्रॉम क्राइलॉन, बिकॉज मैं हल्का सा ऑयल बेस्ड चाहती थी, रेस्ट ऑफ द फेस आई एम जस्ट गोइंग टू डू इट विद द लिक्विड। फाउंडेशन लिए मैं यूज़ कर रही हूँ चार्मेसी दी फाउंडेशन। मैं बहुत ज़्यादा आज कन्फ्यूज़ हूँ, मैंने नहीं समझ आ रही है कि मैं हेयर डू भी की करना है, मैं हेयर स्टाइल कुछ और बनवाया सीगा, हूँ मैं ओपन करके थोड़ा स्लीक कर लेता, लेट्स सी मेरी ड्रेस ना की सूट करता है। अब मैंने ओपन रखने का मन नहीं सीखा बिल्कुल, बस ना बाल खिला के जानी है, मैं आज मेरा मन सेगा थोड़ा स्लीक कर लिया ताकि थोड़ा और सेक्सी लुक आए, लेट्स सी मेरा डिसीजन बिल्कुल सही हो, नहीं तो हूँ मैं बाल नहीं धो सकती। ओके, सो आई एम टेकिंग चार्मेसी का 02 नंबर एंड वेरी डॉट जितना आई एम टेकिंग 05, बिकॉज मैंने ऑलरेडी करेक्शन कर दी है तो मुझे ज़्यादा डार्क कलर की रिक्वायरमेंट नहीं है, मैं जल्दी जल्दी करा गई। ओके, आई एम वेरी लेट, सो आई एम जस्ट गोइंग टू टेक इट and I'm blending it all over my face. This foundation is like amazing and मैं इसके बाद तो आई एम नॉट गोइंग टू यूज एनी हाई लाइटिंग शेड ऑल्सो बिकॉज द शेड इज परफेक्ट फॉर मी। जस्ट गोइंग टू प्रेस इट आंखों के नीचे, फिनिश इज लाइक फ्लॉलेस अमेजिंग एंड वट एवर इज लेफ्ट आई एम गोइंग टू ड्रैग इट डाउन। ओके, सो आई एम ब्लेंडिंग एवरी थिंग एंड कैन यू सी दैट फिनिश, सानू लगता है कि मैनू किसी भी हाईलाइटिंग की जरूरत है, इट इज लुकिंग फ्लॉलेस। ओके, अमेजिंग। मैं जब पार्टीज थी मैं कितने जाने ना, आई वॉन्टेड टू कीप माई सेल्फ वेरी इतना लगे, ड्यूइनेस भी दिखे, हाइड्रेटेड भी लगे एंड कवरेज भी बहुत कट लगे, कि मेरे को भी कोई आए थे कर, ओ माई गॉड यू आर मेकअप आर्टिस्ट और तुम्हें मेकअप थोप थोप के लगाया है, रियली लाइकिंग दिस। मैं दो मॉडल्स से लगा चुकी हूँ, ये वाला ब्लशर एंड दिस इज़ फ्रॉम रोड एंड द शेड इज जूस बॉक्स। आई एम टेकिंग दिस ब्रश, सो पिगमेंट वॉज अमेजिंग, आई रियली लाइक द कलर, इट्स रियली नाइस पिंक। तो मैं सिर्फ हाई पॉइंट्स पे लगा रही हूँ ब्लशर को, मैंने अभी कॉन्टोर नहीं किया, इसके बाद कॉन्टोरिंग करूँगी। मैं चाहती थी कि तुसी एक बार देखो कि कितना लगता है ब्लशर, बहुत ही ज़्यादा सोना ब्लेंड हो जाता है एंड एक ही गो में यू विल गेट द कलर एंड लुक्स रियली नाइस। सी, सो फॉर कॉन्टोर मैं तो सारा ने बताया कि चाहे मैं जिधर ही मर्जी फाउंडेशन यूज़ करें, कॉन्टोरिंग मेरे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आई थिंक एक वॉर्म्थ मिल जाती है थोड़े फेस में, इतना लगता है जिम्मे जान मिल गई है। मैनू गोरे होने का कोई शौक नहीं है, मैनू थोड़ा जा यू नो टैन मेकअप ही पसंद है, सो आई रियली लाइक इट। सी, तुसी देख सकते हो डायमेंशन कितनी सोहनी आ जाती है इस बार। ओके, सो मैं यूज़ कर रही हूँ फैंटी दैन द शेड इज ट्रफल, नहीं सॉरी अज मैं मौका यूज़ किया, अज मैं मौके दे मौका कलर यूज़ कर लिया, जस्ट गोइंग टू कॉन्टोर माई नोज।
ਇੱਕ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਮੈਨੂੰ ਬਾਰ ਬਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਮੈਮ ਤੁਸੀਂ ਲਿਪਸ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਬਿਕੋਜ਼ ਇਟਸ ਨੈਚੁਰਲ ਬ੍ਰੋ, ਇਟਸ ਨੈਚੁਰਲ। ਕਈਆਂ ਦੇ ਲਿਪਸ ਅਤੇ ਕਈਆਂ ਦੀ ਆਈਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੁੰਦਾ, ਬਟ ਇਟਸ ਓਕੇ, ਇਟਸ ਫਾਈਨ, ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਰੈਕਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਕਰੈਕਟ ਕਰਨਾ ਵੀ ਜਾਂਦੀ, ਆਈ ਥਿੰਕ ਆਈ ਲੁੱਕ ਕਿਊਟ ਇਨ ਦਿਸ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ? ਔਰ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਗ੍ਰੈਬ ਕਰ ਲਈ, ਆਮ ਜੋਸ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਬਲੈਂਡਡ ਆਈਜ਼ ਦੇ ਇੱਥੇ, ਸੋ ਦੈਟ ਇਟ ਗਿਵਸ ਮੀ ਅ ਵੈਰੀ ਨਾਈਸ ਬਰੋਨਜ਼ੀ ਇਫੈਕਟ। ਸਾਹਮਣੇ ਮਿਰਰ ਹੈਗਾ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹਾਂ ਹੁਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਾਈਟ ਹੁੰਦੀ ਨਾ ਸਾਈਡਸ ਤੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਦਿਖਦਾ ਵੀ ਫਿਰ ਘੱਟ ਹੀ, ਉਹ ਵਾਲਾ ਹਿਸਾਬ ਹੈ। ਓਕੇ, ਇਟਸ ਡਨ, ਆਈ ਐਮ ਜਸਟ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਬਲੈਂਡ ਐਵਰੀਥਿੰਗ ਵਿਦ ਅ ਬਿਊਟੀ ਬਲੈਂਡਰ। ਆਈ ਐਮ ਟੇਕਿੰਗ ਦਿਸ ਸਾਈਡ ਐਂਡ ਦੈਨ ਜਸਟ ਬਲੈਂਡ 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 ਬਲੈਂਡ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਸੀਮਲੈਸ ਹੋ ਜਾਏ, ਇੱਦਾਂ ਲੱਗੇ ਕਿ ਬਸ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਇੱਕ ਦੋ ਤਿਲ ਇੱਕ ਲਗਾਇਆ ਔਰ ਇੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਬਲੈਂਡ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਮੱਖਣ ਵਰਗਾ ਲੱਗਾ, ਮੱਖਣ ਵਰਗਾ। ਥੋੜ੍ਹਾ ਬੇਸ, ਮਤਲਬ ਮੈਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਾਰਟੀਸ 'ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਫਿਰ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਫੰਕਸ਼ਨਸ 'ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਯੂ ਇਟ ਸ਼ੁੱਡ ਲੁੱਕ ਰੀਅਲੀ ਨਾਈਸ ਐਂਡ ਫਲੋਲੈਸ। ਕੈਨ ਯੂ ਸੀ ਇਟ ਲੁੱਕਸ ਰੀਅਲੀ ਨਾਈਸ। ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਵੈਦਰ ਹੈ, ਪਾਊਡਰ ਇਜ਼ ਰੀਅਲੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ। ਔਰ ਜੋ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਸੈੱਟ ਕਰਦੇ ਵੀ, ਤਾਂ ਪਾਊਡਰ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਜਾਂ ਤਾਂ ਮੂੰਹ 'ਤੇ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਲਗਾ ਸਕਦੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੇਕਅਪ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਕੇਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਸਮਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਟਸ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਗਾਈਜ਼, ਮੂੰਹ 'ਤੇ ਪਾਊਡਰ ਲਗਾਓ ਲਗਾਓ, ਇਹ ਨਾ ਸੋਚੋ ਕੇਕੀ ਵੇਖ ਕੇ ਕੇਕੀ ਛੱਡੋ। ਜਦੋਂ ਬਲੀਡ ਹੋਊਗਾ ਮੇਕਅਪ, ਕਿੰਨਾ ਗੰਦਾ ਲੱਗੇਗਾ ਯਾਰ, ਕਿੰਨਾ ਗੰਦਾ, ਉਹੀ ਸੋਚ ਕੇ ਲਗਾ ਲਿਆ ਕਰੋ। ਥੋੜ੍ਹੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਕੁਆਂਟਿਟੀ ਲਗਾਓ, ਬਟ ਲਗਾਓ ਜ਼ਰੂਰ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਮੈਂ ਲਿੱਤਾਂ, ਆਈ ਐਮ ਡਸਟਿੰਗ ਦ ਐਕਸੈਸ ਐਂਡ ਆਈ ਐਮ ਜਸਟ ਗੋਇੰਗ, ਪਹਿਲਾਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਐਂਡ ਦੈਨ ਥੋੜ੍ਹੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਸਟ ਪ੍ਰੈਸ ਇਟ, ਵਟ ਐਵਰ ਇਜ਼ ਲੈਫਟ ਆਈ ਐਮ ਜਸਟ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਪ੍ਰੈਸ ਇਟ ਔਨ ਦ ਬਲਸ਼ ਏਰੀਆ ਐਂਡ ਦੀ ਕੌਂਟੋਰ ਏਰੀਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰੋ ਜਿੱਥੇ ਐਕਚੁਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸੈੱਟ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਵਟ ਐਵਰ ਇਜ਼ ਲੈਫਟ ਦੈਨ ਜਸਟ ਪ੍ਰੈਸ ਇਟ ਔਨ ਦੀ ਏਰੀਆਜ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਕੰਟੋਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਬਲਸ਼ਰ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਸੋ ਬਲਸ਼ਰ ਇਸ ਟਾਈਮ ਓਬਸੈਸਡ ਹੋਈ ਪਈ ਹਾਂ, ਮੇਰਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਰੇਅਰ ਬਿਊਟੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਸੋਹਣੇ ਹੋ। ਸੋ ਮੈਂ ਬਲਸ਼ਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ, ਵੈਸੇ ਮੈਂ ਉਹ ਵਾਲਾ ਪਿੰਕ ਲਗਾਇਆ, ਬਟ ਮੈਂ ਪੀਚ ਪਿਆ ਪੀਚੀ ਟੋਨ ਦੇ ਰਹੀ ਹਾਂ ਫੋਰ ਮਾਈ ਦ ਬਲਸ਼। ਆਈ ਰੀਲੀ ਲਾਈਕ ਦਿਸ ਬਲਸ਼ ਬਿਕੋਜ਼ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਈਲਾਈਟਰ ਹੈ ਐਂਡ ਇਟ ਗਿਵਸ ਯੂ ਅ ਵੈਰੀ ਨਾਈਸ ਸ਼ੀਨ। ਕੈਨ ਯੂ ਸੀ ਦੈਟ? ਗਿਵਸ ਯੂ ਅ ਵੈਰੀ ਨਾਈਸ ਗਲੋ। ਓ ਮਾਈ ਗੋਡ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਾਈਲਾਈਟਰ ਦੀ ਵੀ ਮਿਹਨਤ ਥੋੜ੍ਹੀ ਘੱਟ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਸੋ ਆਈ ਰੀਲੀ ਲਾਈਕ ਇਟ। ਓਕੇ, ਇਟਸ ਡਨ, ਆਈ ਐਮ ਜਸਟ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਗਿਵ ਮਾਈ ਫੇਸ ਅ ਲਿਟਲ ਮੋਰ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨ ਐਂਡ ਆਈ ਐਮ ਯੂਜ਼ਿੰਗ ਅ ਕੌਂਟੋਰ। Basically, I'm using a bronzer shade and bronze karungi thoda. You can take any little dark color of your, matlab jo tadi skin da color hai usko thoda ek dark color da compact you can use, or maybe you can use a specific bronzers, MAC ke bronzers aate hain, unme se koi bhi aap utha sakte ho aur muh pe laga sakte ho. Charlotte ka aata hai bada mast wala shade is 2, bronzer number 2, even that works really good for me. And main lag main apni videos te bahut baar bronzer ke bare mein das chuki hu, tusi sare comment karke dusse kehda color hai bronzer. It's not a bronzer basically, it's a compact, but I use it like a bronzer. So my dress is very light shade di, I'm going to use this palette, this is from PAC Cosmetics. It has like beautiful brown shades. अगर एक ब्राउन शेड की पैलेट खरीदनी है विद सम फ्यू लाइट शेड्स ब्लेंडिंग के लिए, आई थिंक दिस इज द परफेक्ट टू ग्रैब। और ये बहुत सोने सोने हाइलाइटिंग शेड है, सो आई एम गोइंग टू टेक अ वेरी मीडियम सा शेड एंड आई एम प्रेसिंग इट आईज पे विद अ बिग फ्लफी ब्रश। आई एम जस्ट यूजिंग माई फिंगर्स एंड आई एम टेकिंग अ मैट आई शेड विद द फ्रंट। ओके, इट लुक्स नाइस नाउ। ਦੂਸਰੀ ਸਾਈਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਟ ਆਈ ਸ਼ੈਡੋ ਲੈ ਰਹੀ ਹਾਂ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਡਾਰਕ। ਇਟਸ ਅ ਲਾਈਟਰ ਸ਼ੇਡ, ਨੋਟ ਅ ਡਾਰਕਰ ਸ਼ੇਡ। ਸੋ ਨਾਊ ਆਈ ਐਮ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਟੇਕ ਅ ਮੀਡੀਅਮ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਸਾ ਡਾਰਕ ਬਰਾਊਨ ਸ਼ੇਡ ਆਈ ਐਮ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਗ੍ਰੈਬ। ਪਹਿਲੇ ਵਾਲਾ ਮੈਂ ਆਵਲ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਔਰ ਹੁਣ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਡਾਰਕ ਕਲਰ ਲੈ ਰਹੀ ਹਾਂ ਜਸਟ ਟੂਵਰਡਸ ਦੀ ਆਊਟਰ ਕੋਰਨਰ, ਦੈਟਸ ਇਟ, ਜਸਟ ਟੂ ਕ੍ਰੀਏਟ ਅ ਲਿਟਲ ਡੈਪਥ। ਮਤਲਬ ਵਾਈਟ ਕਲਰ ਲਗਾਉਣਾ ਨਾ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹੋਰ ਅੱਖਾਂ ਵੱਡੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਲੱਗਦਾ। ਮੈਂ ਵਾਟਰ ਲਾਈਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਵਿਦ ਦ ਸੇਮ ਡਾਰਕ ਸ਼ੇਡ। ਮੈਂ ਵਾਈਟ ਕਲਰ ਦਾ ਕਾਜਲ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੀ ਹਾਂ। ਓਕੇ, ਸੋ ਨਾਊ ਆਈ ਐਮ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਯੂਜ਼ ਦਿਸ ਰੀਕੋਡ ਕੀ ਆਫ ਵਾਈਟ ਪੈਨਸਲ ਔਰ ਮੈਂ ਵਾਟਰ ਲਾਈਨ ਕੋ ਕਰਨੇ ਵਾਲੀ ਹੂੰ ਫਿਲ।
एंड देन आई एम गोइंग टू डू द मस्कारा. मैं ऑफलाइन मस्कारा करने लगी हूँ क्योंकि मैं बहुत बार दिखाया सारा कितना करना है. सो गाइस आई एम डन विद द मस्कारा. उसके बाद मैं कर रही हूँ लिप लाइन विद द शेड स्पाइस फ्रॉम मैक. एंड उसके बाद मैं लिपर लगा रही हूँ एंड दिस इज एक्स्ट्रा टोस्टी एंड दिस इज फ्रॉम डोज ऑफ कलर. It looks nice. So this is the complete look. मैं फटाफट ना ड्रेस पहनी है और मैं तुम्हें दिखानी है कि मैं कितना लग रही हूँ. Okay guys, I'm ready. I'm wearing this beautiful dress. और इसके साथ मैंने टीम अप किया है ये गोल्ड से इयररिंग्स, ये क्यूट सा बैग एंड दिस इज द कम्प्लीट लुक. मैंने लास्ट में ना लगा ली है फाइनली लेंसेज. पहले मैं कन्फ्यूज थी मैं लगाऊँ या ना लगाऊँ, बट इट लुक्स रियली नाइस. कम्प्लीट लुक आ गई है. आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी. जल्दी जल्दी वाली है बट फिर भी मैं पूरी कोशिश कर दी है मैं कुछ नवा लेके आंदी रहा, चाहे प्रोडक्ट्स के बारे होए या कुछ भी होर. आई थिंक तुहानू अज कुछ चीज़ां न्यू मिलनगियां. जिहड़े प्रोडक्ट्स की नॉलेज नहीं मिली कमेंट करके जरूर पूछना. असीं डेफिनेटली तुहानू कोई ना कोई पोस्टिंग दे विच दस दांगे कि 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 कि